बारिश का मौसम आता है तो बस तरह तरह की चीजें खाने का मन हो जाता है पकोड़े, समोसे चाट आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी करारी आलू टिक्की चाट हम आलू को पहले अच्छी सी फिलिंग डालकर स्टफ करेंगे और बाद में इसकी चाट बनाएंगे तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं असलाकुम वेलकम टू तो कुकिंग विद बेनजीर मैं बेनजीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक टेबल स्पून ऑइल ले, ले लेंगे एक बुक में हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे एक टी स्पून किया हुआ लहसन मिलाएंगे साथ में एक हरी मिर्च छोटा छोटा चॉप करके लहसन का कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर वन फोर्थ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर थोड़ी हम डाल देंगे हाफ टी स्पून के आसपास कसूरी मेथी ऐसे क्रश करके थोड़ा सा इसमें एक से दो टीस्पून पानी डालेंगे और फ्लेम लो रख के अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को मसाले को अच्छा सा हमने भून लिया यहाँ हमने चना दाल ले ली जिसे हमने बॉईल कर लिया पहले दो घंटे के लिए दाल को भिगाया था बाद में इसे बॉईल कर लिया है बिल्कुल सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा नमक डालकर हमने बॉयल किया इसीलिए मसालों में हमने नमक नहीं डाला चना दाल में नमक डाल दिया था ये वन फोर्थ कप लेकर हमने भिगाया था फिर बॉईल किया तो ये चना दाल भी इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से मिलाएंगे और मिक्स करने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा मैश भी करेंगे तो अच्छी तरह मिक्स भी किया हमने और थोड़ा थोड़ा मैश भी किया पूरी तरह नहीं किया है थोड़ा थोड़ा इससे थोड़ा थोड़ा मैश करने से एक अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाती है फ्लेम को बंद करेंगे एक साइड पर रखेंगे इसे ठंडा करेंगे यहाँ हमने तीन मीडियम साइज़ के आलू ले लिए आलू को बॉईल करके अच्छा सा ग्रेट कर लिया कॉर्नफ्लार मिलाएंगे इसमें दो टेबलस्पून चावल का आटा ये भी दो टेबल स्पून क्रिस्पी करने के लिए दो ब्रेड की स्लाइसेस हमने ले ली इन्हें हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे इसे भी डाल देंगे फ्रेश ब्रेड नहीं है तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं एक टी नमक डाल देंगे अच्छी तरह से मिलाएंगे हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक दो के फॉर्म में कर दिया है थोड़ा सा ऑयल इस पर लगाएंगे और स्मूथ कर लेंगे आपको ज़रूरी लगे और बैटर अगर नरम है तो थोड़ा और कॉर्नफ्लार और राइस फ्लार ऐड किया जा सकता है यहाँ हमारा दाल का मिक्सचर भी ठंडा हो गया इसे अच्छी तरह से मिक्स करके छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएंगे अब यहाँ जो साइज़ की आप टिक्की बना रहे हैं वो हिसाब से ये वाले बॉल्स बनाने हैं बहुत ज़्यादा बड़ी टिक्की है, तो बॉल को भी थोड़ा बड़ा रखना है हमें हम ये साइज़ के बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से ये साइज़ का हमने बॉल लिया फ्लैट करेंगे एसजिस की तरफ भी ज़्यादा फ्लैट करेंगे ऐसे सेंटर में जो हमने चना दाल का बॉल बनाया था वो रखेंगे इसे और बस इसे सब तरफ से हमें उठाना है इसको अंदर पुश करते रहना है इस तरह से पूरा कवर कर दिया हमने ब्राउन करेंगे फिर हाथों से इसे हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करके फ्लैट करना है एक टिक्की का शेप देंगे ऐसे हमने ये साइज़ की टिक्कियाँ बनाई टिक्कीज़ को फ्राई करने के लिए हमने ऐसा आयन तवा लिया है बड़ा सा इसमें फ्राई करने से एक तो ये क्रिस्पी बनेंगे दूसरा ऑयल भी कम इस्तेमाल होगा हम इस तरह फ्राई करते जाएंगे और फिर इसे पलट पलट कर एजेस पर रख देंगे कॉर्नर्स पर ताकि एक्सेस ऑयल भी ड्रेन हो जाए और ये बग़ैर ऑयल के दूसरी साइड पर अच्छी तरह से पक के क्रिस्पी भी हो जाए तो चलिए फटाफट से आलू टिक्की चाट बनाते हैं उस पर हम डालेंगे सबसे पहले दही अच्छा गाढ़ा दही इस्तेमाल करें दही में थोड़ी सी शुगर भी ऐड करके अच्छी तरह से बीट कर लें फिर इस पर हरी चटनी डालेंगे पुदीने की और हरे धनिए की बाद में डालेंगे खट्टी मीठी इमली वाली चटनी हरी चटनी इमली वाली चटनी ये दोनों हमने अपलोड किए हैं और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है घर पर बनाकर ज़रूर से ये सारी चीज़ें स्टोर करें क्योंकि बारिश के मौसम में ये सारी चीज़ें तो बनती ही रहती है फाइनली हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा चाट मसाला थोड़ा ज़ीरा पाउडर थोड़ा रेड चिली पाउडर चाहे तो हल्का सा काला नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं फिर हम इस पर डालेंगे थोड़े अनार के दाने थोड़ी सेब थोड़ी लच्छा प्याज और साथ में हरा धनिया लो तैयार हो गई हमारी स्पेशल स्टफ्ड आलू टिक्की चाट तो जल्दी जल्दी से आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए लेकिन हमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हमें ये भी जरूर बताएं कि आप कौन सी कंट्री से कौन सी सिटी से हमारे वीडियोस देखते हैं उम्मीद करती हूं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना खास ख्याल रखिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज जायका नहीं जज्बात भी